अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा। खूबसूरत लग रही हैं हिरा। थैंक यू, सेम टू यू। बताएं कि अभी क्या करने आई हैं मॉल? बच्चों को घुमाने आए हैं बस। बच्चे भी हैं आपके? वो मेरा बेटा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। यानी आपने भी फिट रखा हुआ है अपने आप? हाँ, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत। लग रहा है कि ऊपर से आप खेल कर आई हैं, कुछ जंपिंग करके आई हैं। बाउंसिंग की मेरा पैंट है, ये मेरे बेटे का पैंट है। आपने भी बाउंसिंग की है? हाँ, मैंने भी की है। यानी कि बच्चा अभी अंदर है? हाँ बिल्कुल है। कौन है? ये मेरा भांजा है। से हेलो। क्या नाम है आपका? रियान। आपका क्या नाम है? मम्मा ताहा। वेरी गुड। आगे आ जाएं आप दोनों, जरा आगे आ जाएं दोनों साथ मम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेकअप आपने बड़ा अच्छा किया हुआ है और बिल्कुल सेट हुआ हुआ है मुंह पे, इसका क्या राज है? बस मुझे मेकअप का शौक है तो ये खुद ही होता है। तो आज ऐसे मेकअप करके आई हूँ कि मैंने अपनी बच्ची को गोद में बिठाया और बगैर देखे मेकअप किया, सही हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। माँ का यही हाल होता है, मेरा भी यही हाल है। अभी मैं रेडी हो रही थी तो उसको मुझे डायपर चेंज। मेरे भाई ने मुझे ये बोला, उन्होंने कहा कि आप ये कैसे मेकअप कर रही हैं, आपके आगे ना शीशा है। मैंने कहा बस देख लो क्या करूँ, इसको संभालूँ या मेकअप करूँ। प्रैक्टिस हो गया, फिंगर टिप्स पे हो गया हुआ मेकअप। तो मेकअप में सबसे अच्छा क्या लगता है? बेस अच्छी लगती है। आई मेकअप सब कुछ अच्छा लगता है, मेकअप होता ही अच्छा। एक होता है ना, जैसे ब्लश ऑन बड़ा पसंद है, मस्कारा बहुत पसंद है। मस्कारा बहुत पसंद है, यानी हैवी। रिसेंटली सऊदीया से आई हूँ लास्ट वीक। ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या मिस करती हैं? अपनी फैमिली को मिस किया। मैं बेटे और हस्बैंड के बगैर गई थी वहाँ पे, तो फिर मैंने उनको बहुत मिस किया और मैं उनकी वजह से आई हूँ वापस। नहीं तो हस्बैंड यहीं होते हैं? हाँ, यहीं मेरी जॉब थी। अच्छा अच्छा, आप जॉब अभी क्या करती हैं? बेटा कैमरे की तरफ देखें आप। मैं स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा, सही है। तो मुझे ये बताएं कि आपने फिर, मतलब ज़्यादातर हमने लोगों को देखा है कि उनके मियाँ बाहर होते हैं और आप मियाँ को छोड़ के चली गई हैं सऊदीया। कंडीशन चेंज हो गई है। क्या बात है। ये नहीं कि व्यूवर्स इन्होंने जो है ना वो बिल्कुल उल्ट कर दिया हुआ है कि पहले मियाँ बाहर होते थे, बीवियाँ जाती थी, यहाँ पे बीवियाँ कह रही हैं कि मैं हस्बैंड में का दिल नहीं लग रहा तो ये वापस आ गई हैं। ऐसे ही है। एग्जैक्टली, बस अब दुआ करें इंशाल्लाह कुवैत जाना है। वो मियाँ को लेके जाएंगी या छोड़ कर जाएंगी? विदाउट फैमिली जाऊंगी, बाद में इनको बुलाऊंगी इंशाल्लाह। यानी कि मियाँ फिर बच्चे को संभालते हैं? नहीं, मेड रखी हुई है, उसके दादू संभालते हैं, मियाँ नहीं संभालते बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं संभालते ना? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, वैसे आप बड़ी हिम्मत की बात है, आप फिर मिस नहीं करती, वहाँ जाके बोर नहीं हो जाती थी? वहाँ पे बोरिंग नहीं, लाइफ बहुत अच्छी है अगर आपकी फैमिली हो साथ। तो बस अपने बेटे की वजह से आई हूँ, अपने हस्बैंड की वजह से आई हूँ, फैमिली की वजह से, बाकी वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपने किस तरह मैनेज किया, मतलब आप बच्चे जैसे, मैं आई हैव अ डॉटर तो मुझे बड़ा, मैं उसको मिस करने लग जाती हूँ, तो आपने किस तरह से इतना, ये तो जिगरे की बात होती है बहुत। हाँ, बहुत जिगरा था वाकई, सीरियसली। चलिए हम आपसे एक पहेली पूछते हैं हेरा। पहेली ये है कि हमने देखी रात की रानी, आँख से उसके टपके पानी। देखिए रात की रानी, आंख से टपके पानी। नो आइडिया। क्या पैगाम देना चाहेंगी लड़कियों को, स्पेशली जो आपकी इस वक्त सिचुएशन है, तो हिम्मत करें या क्या करें? हाँ बिल्कुल, अल्लाह करे ये सिचुएशन किसी पे आए ना। नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये शौक है, ये पैशन है। मेरी कोई मजबूरी नहीं, मेरी यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हॉस्पिटल में, और मैं अपने शौक की वजह से गई। बंदे को अगर आपको चांस मिले तो आप इसको ज़रूर अवेल करें, ताकि ग्रूमिंग अच्छी बात है। अब मैं, मुझे सऊदीया से हट के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की मिल रही है, तो मैंने कहा इसको ज़रूर मुझे अवेल करना चाहिए। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, हम जब अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो नर्सेज जो होती हैं वो, उन्होंने बड़ा मेकअप किया होता है, तो ये क्या ऑर्डर होते हैं ऊपर से कि भाई आपने जो है वो प्रेजेंटेबल दिखना है? अच्छी बात है, अगर आप प्रेजेंटेबल दिखेंगे तो आप पेशेंट को हैंडल कर सकेंगे। अगर आप पेशेंट की जैसे पेशेंट ही लगेंगे तो आप पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? बिल्कुल सही बात है, यानी कि आप खुद तो ठीक लगें, आप पेशेंट ना लगें। एग्जैक्टली, अगर आप पेशेंट के साथ पेशेंट ही लगेंगे तो फिर आप में डिफरेंस क्या रह जाएगा पेशेंट में? यानी कि इसलिए आप अच्छा सा मेकअप करके जाती हैं। मैंने तो अक्सर नर्सेज को रेड लिपस्टिक भी लगाए देखा है। हाँ, पता नहीं, मैं तो नहीं वैसे यूज़ करती ड्यूटी पर, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर रेड नहीं, थोड़ी पिंकिश में न्यूड कलर हो तो वो अच्छा लगता है। चलें ठीक है, तो कोई मैसेज देना चाहेंगी आप जाते जाते? बस यही है कि मोहब्बतें बांटे, नफरतें तो पहले ही बहुत बिखर चुकी हैं, तो खुश रहें और खुश रहने दें सबको। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हिरा, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, पहली दफ़ा, क्योंकि जब से मैं शो कर रही हूँ पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसी खातून देखी है जिनसे हमने बात की है कि वो सऊदी अरब चली गई और उनके हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान में थे, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और अपने बच्चों को और फैमिली को छोड़ के जाना बीइंग अ गर्ल बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुझे तो ऐसा लगता है बड़ा डिफ़िकल्ट है अगर आपकी फैमिली है तो, लेकिन हर एक के हालात जो है वो एक जैसे नहीं होते।